हाय गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम जो आपको हार्ड डिस्क भेजेंगे फुटेज कलेक्ट करने के लिए, कैसे हमारा जो पूरा सेटअप रहता है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे पैक करना पड़ेगा। सो ये आपका जो बॉक्स है, ऐसा बॉक्स आपके पास आएगा, फ्रेजाइल लिखा हुआ ऐसा बॉक्स आएगा। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इसका लोअर एंड में आपका ऐसा एक स्टिकर रहेगा और यहाँ पे ऐसा ही स्टिकर हम एक इंक्लूड कर देंगे इस पूरे पैकेट के अंदर, जो आप जब आपका फुटेज आप डिलीवर कर देंगे या इसमें ट्रांसफर कर देंगे कलेक्शन के पहले, आपको यहाँ पे इसी के ऊपर वो स्टिकर आपको लगा देना पड़ेगा। और आप जब भी इसको यूज़ करेंगे, थोड़ा क्योंकि हार्ड डिस्क है, थोड़ा फ्रेजाइल है, तो थोड़ा आपको केयर लेके इसको हैंडल करना पड़ेगा। सो चलिए इसको ओपन अप करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास ब्लेड है, थोड़ा आपको थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली आपको ये थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉक्स जो है हमारा रीयूज होता है। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक टेप मिलेगा, क्योंकि आप जब पैक करेंगे तो पैक करने के लिए यहाँ पे पूरा एक टेप का रोल आपके पास रहेगा। इसको आप यूज़ करके, ये टेप आप यूज़ कर सकते हैं इसको रीपैक करने के लिए। यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं बबल रैप के अंदर ये पूरा आपका हार्ड डिस्क रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी मटेरियल आप जो देख रहे हैं, इसको फेंकना नहीं है, इसको रीयूज़ करना है हमें। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क आपके पास पहुँचेगा और आप इसको स्लोली और ग्रेजुअली ओपन अप करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा केयर के साथ। यहाँ पे आपका डेटा केबल, यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क रहेगा। ओपन करने के बाद आप इस हार्ड डिस्क के अंदर अपना जो डेटा है और जितने भी डेटा है या जो फुटेज है, आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो रीपैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो सेम प्रोसेस है, रिवर्स में होगा। आपने इसको हार्ड डिस्क इसके अंदर डाल दिया और इस खाली जगह में, और इस खाली जगह में आपने ये केबल जो है यहाँ पे इसको डाल दिया। सेम प्रोसेस है, स्लोली और ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इसको पैक करना है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बबल रैप है यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह, इसको प्लीज पॉप मत कीजिएगा क्योंकि इसको रीयूज करना पड़ेगा। तो जिस तरफ ये बबल रहेगा उसको अंदर की तरफ रखना है, ये प्लेन सरफेस है इसको बाहर रखना है, और जो बबल की जो सरफेस है वो उसको अंदर रखना है। तो इसको चलिए हम पैक करते हैं। इसको ज़्यादा कुछ नहीं, इसको सिर्फ रोल करना है, जो बबल वाला एरिया है वो अंदर रहेगा। इसको इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आपका रोल करना है। रोल करने के बाद आप इसके अंदर इसको डाल दीजिए। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इस पे आपका टेप लगा हुआ है, तो इसको रीयूज करना है। तो आपके हिसाब के तरह आपने टेप को निकाल लिया, निकाल लेने के बाद आपने इसको डाल दिया अंदर। और उसी के साथ जब आप पैक करेंगे, ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड से आपको आपका टेप लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा आपको टाइट करके आपको पूरा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टेप का साइज थोड़ा कम था, बट आपके पास एडिक्वेट रहेगा। तो यहाँ पे जब टेप लगाएंगे आप, इस एंड से इस एंड तक उसको पूरा लगा देना है। ये बॉक्स के अंदर हम ऐसा, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा प्रिंटेड है, उसी तरह ऐसा एक स्टिकर हम आपको इस बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा आपका नाम एड्रेस रहेगा, ये स्टिकर है, स्टिकर के एंड से आपको इसको पील करना है। आपने जैसे ही इसको पील कर दिया, आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा एक स्टिकर है, उसको इसके ऊपर लगा देना। या बेस्ट ऑप्शन है आप ये जो बटर पेपर है इसी को आप यूज करके इसको थोड़ा, सो जैसे आपने देख लिया कि ऐसे आपको जो एड्रेस का जो स्टिकर है आपको इसके ऊपर पेस्ट करना है, और ये आपको फिर कुरियर का बंदा जो आएगा आपको उसका हैंड ओवर कर देना। और इसी तरह आपका डेटा ट्रांसफ़र हमारे एंड से होता है, आपको ऐसा बॉक्स हम भेजेंगे जिसमें आपका हार्ड डिस्क रहेगा, आपको डेटा ट्रांसफ़र करके। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक होता है हार्ड डिस्क, थोड़ा सा भी अगर गिर जाता है या थोड़ा हाथ से छूट जाता है तो ये पूरा हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ये फ्रेजाइल एलिमेंट है, थोड़ा आपको सावधानी से उसको यूज़ करना पड़ेगा।